नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे। दोस्तों, इस वीडियो का विषय है पैन और आधार लिंक कैसे करें। पैन और आधार लिंक कैसे करें, वो भी इनकम टैक्स की साइट से, ताकि पैन और आधार लिंक होने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सके 31 जुलाई के पहले, ताकि दोस्तों आपको ड्यू डेट के बाद पेनल्टी नहीं भरना पड़े। तो दोस्तों, ड्यू डेट के बाद अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पैन से आधार लिंक करने की प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में चले जाना है और वहाँ पर सर्च करना है इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इनकम टैक्स सर्च करते हो तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन आता है इनकम टैक्स की साइट का। तो दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट पेज इस तरह का होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन नहीं होना है, आपको इसी पेज में नीचे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जो क्विक लिंक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार का। ठीक है, तो आपको लिंक आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुल जाएगा इंस्ट्रक्शंस का। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो मैं पूरे न पढ़ते हुए मैं कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर इज रिक्वायर्ड 1 जुलाई 2017 एंड इज एलिजिबल टू अपटेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू लिंक पैन विद आधार ऑन आर बिफोर 31 मार्च 2022। ठीक है दोस्तों, तो 2022 तक के पैन आधार से लिंक करने थे। ठीक है, टैक्स पेयर हु फेल टू डू सो आर लायबल टू पे फी आप ₹500 टिल 30 जून 2022। तो दोस्तों, जो लोग 31 मार्च तक पैन आधार से लिंक नहीं कर सके, उनको डेट थी, उसके बाद आपको ₹500 देकर 30 जून तक पैन आधार से लिंक करने की डेट थी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोल रहा है, 30 जून 2022 एंड देयर आफ्टर अ फी आप ₹1000 विल बी अप्लीकेबल बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो आप 30 जून 2022 के बाद जो भी पैन आधार से लिंक करेगा, उनको ₹1000 पेड करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब तक आप ₹1000 पेड नहीं करेंगे, तब तक पैन आधार से लिंक नहीं होगा और आप ITR फॉर्म भर नहीं सकोगे। दोस्तों, ITR फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको 31 जुलाई की ड्यू डेट है, उसके बाद आपको और ₹1000 की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ₹1000 भरकर अभी 2-3 दिन बचे हैं दोस्तों, अभी के अभी आपको ₹1000 भर देने हैं, ताकि आपको नेक्स्ट जो ड्यू डेट है उसके बाद की जो पेनल्टी है वो बच सके। ठीक है, तो ये मैंने इंस्ट्रक्शंस का जो पेज था मैंने आपको पढ़कर बताया और क्लियर भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज उसके इंस्ट्रक्शंस के नीचे में क्या होगा, नेक्स्ट पेज आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पैन नंबर डाल देना है और आधार नंबर डाल देना है और नीचे वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों को छूट दे रखी है, जैसे NRI है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिनकी एज 80 के ऊपर है, जो स्टेट ऑफ रेसिडेंस इज आसाम मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर, इन लोगों को छूट दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अगर इन लोगों के पैन आधार से लिंक नहीं है तो भी ये ITR फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर पैन नंबर, नीचे आधार नंबर और नीचे वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे
मतलब लिंकिंग की प्रोसेस करोगे तो आपको इसी तरह के पेज खुलते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको क्लिक कर देना है। यदि आपको नहीं समझ में आए तो एक फ़ोन से आपको वीडियो देखना है, दूसरे फ़ोन से आपको ये काम कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम यही प्रोसेस है लिंक करने की। ठीक है, कंटिन्यू टू पे ऑन प्रोटियन NSDL पोर्टल। तो दोस्तों ये 1000 रुपये हम लोग जो पेड कर रहे हैं ये अभी NSDL को पेड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इनकम टैक्स की साइट से काम कर रहे हैं, मतलब लिंक कर रहे हैं, लेकिन ये NSDL की साइट पर ले जाएगा। अब हमको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू टू पे ऑन NSDL पोर्टल। ठीक है, तो देखो अभी ऊपर क्या आया, NSDL.com आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर NSDL के साइट के ऊपर हम लोग आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स चालान नंबर 280 इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, वो इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों यहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, उसके ऊपर टाइमिंग चलेगा। तो दोस्तों यहाँ टाइमिंग आधा घंटे का रहता है, जो भी प्रोसेस करना है आपको जल्दी जल्दी करना है, आधा घंटे के अंदर ही, अदरवाइज आपकी जो समय है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा और आप लिंकिंग की प्रोसेस नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो यह इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है तो आपने पहले पढ़ लिए हैं, और भी कुछ पढ़ना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों टैक्स पेएबल आपको कौन सा कोड डायल कर, सॉरी यहाँ पर टिक करनी है, 0021 और नीचे में 500। ठीक है, यहाँ पर 0021 और नीचे में टाइप ऑफ पेमेंट 500, यहाँ पर अदर रिसिप्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है ताकि वो टिक हो जाए। ठीक है, टिक होने के बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज हो जाएगा कि आप पेमेंट मोड आ जाएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं दोस्तों, हो मैं आपको बता दूँ कि मैंने नेट बैंकिंग भी यूज़ किया और डेबिट कार्ड भी यूज़ किया। मैंने पहले डेबिट कार्ड यूज़ किया था लेकिन वो अच्छे से चला नहीं, लेकिन उसके बाद में नेट बैंकिंग से मैंने एक पेमेंट किया था इसके पहले। उसके बाद दोस्तों हो डेबिट कार्ड के लिए अच्छा नेटवर्क चाहिए, तो अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट जब भी करो तो आप अच्छा नेटवर्क के यूज करो, मतलब बाहर बैठो, घर के अंदर से नहीं होगा काम, तभी डेबिट कार्ड से पेमेंट करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये मैंने आपको टिप्स बता दी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है और असेसमेंट ईयर दोस्तों 2023-24 डाल देना है। अगर आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है, असेसमेंट ईयर में गलती नहीं करना है, 2023-24 ही डाल देना है तो ये आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर नीचे में आपका एड्रेस आ जाएगा। दोस्तों ये एक ही पेज है लेकिन अगर मैं फुल स्क्रीन में बताता हूँ तो बहुत ही छोटा दिखता है, आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बड़े पेज में आपको बता रहा हूँ। ये तो आपका एड्रेस का ही पेज है, यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको डाल देना, पूरा एड्रेस डाल देना है और नीचे में आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, फ़ोन नंबर डालने के बाद में दोस्तों इसका इस तरह से आपका ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये एक ही पेज है, मैंने ये बड़े बड़े पेज में आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे में क्या करना है, कैप्चा डाल देना है जो मैंने डाला है, GYNR4 ऐसे ही आपको डाल देना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों ये गलती हो गई कि हमने यहाँ पर पिन कोड सही नहीं डाला था। ठीक है, आपको पिन कोड भी सही डाल देना है, जो यहाँ पर देखो गलत बता रहा है क्या, तो आपको पिन कोड बिल्कुल सही डाल देना है ताकि प्लीज़ एंटर पिन कोड। ठीक है दोस्तों, या आपने अगर भूल गए हो तो भी प्लीज़ एंटर पिन कोड, या गलत डाले तो भी यहाँ पर वो बता देगा। आपका फ़ोन नंबर आएगा, यहाँ पर कैप्चा लेटर और यहाँ प्रोसीड आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या आएगा, प्लीज़ कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो टैक्स अप्लीकेबल 0021 और टाइप ऑफ पेमेंट 500। तो दोस्तों हम किससे पेमेंट करने वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेबिट कार्ड से। ठीक है, आपको भी जिस भी बैंक का एटीएम हो आपके पास, उससे पेमेंट करना हो वो सिलेक्ट करना है, वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। ठीक है,
मैं स्टेट बैंक से कर रहा हूँ इसलिए मैंने स्टेट बैंक सिलेक्ट करना है। आपका जिस बैंक से हो आपको वो बैंक सिलेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, परमानेंट आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा और यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा। तो दोस्तों यह असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2022-23। देखो यहाँ पर मैंने जो पिछले बार बताया था, पीछे बताया था पेज में, वही यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो आपको यहाँ गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर टिक लगा देनी है आई एग्री के ऊपर। ये एक ही पेज है जो मैंने अभी इतने सारे जो पेज बताए, अगर छोटे पेज बहुत छोटे छोटे दिखते हैं इसलिए मैंने बड़े समझने के लिए बड़े पेज में आपको बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक लगा देना है और सबमिट टू बैंक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो इसलिए डेबिट कार्ड के ऊपर टिक लगा देनी है, ठीक है। डेबिट कार्ड के ऊपर टिक लगा देने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। सबमिट कर देने के बाद में आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो भी वो डाल देना है, और यहाँ पे कैप्चा जो है टेक्स्ट है ये वो यहाँ डाल देना है और प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड के बाद दोस्तों हो यहाँ पर आपको ये मोबाइल पे आपके एक 8 अंकों का OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल देना है। आपके मोबाइल पर एक 8 अंकों का मोबाइल OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल देना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऊपर जैसे आप टिक करते हो तो आपको अभी पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने जो डेबिट कार्ड आप जो डेबिट कार्ड से जो पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ आपका नाम आ गया है, एक्टिव आपका डेबिट कार्ड है वो आ गया है, और यहाँ पे उसके फर्स्ट और लास्ट नंबर आ गए, ठीक है। जैसे आप अभी कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हो तो होगा क्या दोस्तों हो, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आपको क्या करना है, आपको और वहाँ पर कुछ डेबिट कार्ड की जानकारी डाल देनी है। तो दोस्तों अभी वो पेज मैं बता देता हूँ आपको, उस पेज में आपको डालना है उसका मंथ और साल, मतलब एक्सपायरी डेट मंथ और साल और कार्ड होल्डर नेम और पिन। तो दोस्तों ठीक है, ये इतनी चीज़ें वहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें अभी 1000 रुपीज हमको पेड करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट पेज है जो आएगा डेबिट कार्ड की जानकारी देने के लिए, आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड की जानकारी आएगी उसमें आपको एक्सपायरी डेट साल डाल देना है, कार्ड होल्डर नेम डाल देना है और पिन डाल देना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जो इस तरह से होगा, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोग 1000 रुपये डालने वाले हैं। तो दोस्तों डेबिट कार्ड की जानकारी डाल देने के बाद में यहाँ पर हमको 1000 रुपये अभी पेड करना है। तो दोस्तों 1000 रुपये हम पेड कैसे करेंगे, ऊपर में हमारी पर्सनल जानकारी रहती है उसको ध्यान नहीं दे आप। यहाँ पर अभी हम लोग टैक्स भी पेड नहीं कर रहे, एजुकेशनल सेस भी पेड नहीं कर रहे हैं, और अभी हम लोग ना इंटरेस्ट ना टैक्स पेड कर रहे हैं। हम लोग पैन आधार से लिंक करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए अदर्स में आपको 1000 रुपीज यहाँ पर एडिट करना है, टाइप करना है 1000, ठीक है, और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम और आपको यहाँ पर मैसेज आएगा योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, ठीक है, ऊपर में राइट टिक लग गई है और आपका पेमेंट का मैसेज आ गया सक्सेसफुली का, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये 1000 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पेड हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ की अभी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे जो ग्रीन अक्षरों में जो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सी द चालान डिटेल्स, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है या डाउनलोड इन PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका BSR कोड, चालान नंबर, डेट, दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पैन को आधार से
लिंक कर सकते हैं, पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस हुई है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद की जो जानकारी मैं दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझे। तो दोस्तों साथियों, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो इनकम टैक्स की साइट पर आपको जाना है, ठीक है, और लॉगिन होकर देखना है आपकी ITR फाइल प्रोसेस हो रही, शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो दोस्तों इसके पहले जो इंस्ट्रक्शन हमने जो पढ़े थे, जो 4-5 दिन के बाद लिंकिंग का ऑप्शन आया था, लिंक देर से भलाई हो जाए, ऑप्शन भलाई आ जाए, लेकिन अभी आप ITR फॉर्म शुरू कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। 4-5 दिन का पेमेंट लिखा हुआ था, 4-5 दिन के बाद वो प्रोसेस में आ जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने ये प्रोसेस करने के बाद में तुरंत इनकम टैक्स जो फाइल है वो रिटर्न भरना शुरू कर दिया, तो फाइल होना शुरू हो गई दोस्तों। तो आपको भी ऐसे करना है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में तुरंत फाइल को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को प्रोसेस करना है, ताकि आपको 31 जुलाई के बाद यानी ड्यू डेट के बाद की जो पेनल्टी है वो बच जाए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठावरे। थैंक यू वेरी मच।